अगर कोई गैर मुस्लिम हमारा ये मातम देखे और हमारे ये मरसिये देखे, क्या वो इस्लाम की तरफ माइल होगा? माइल होगा? वो बोलेंगे इनको क्या हो गया, ये कैसा मजहब है? मुहर्रम में और रबीउल अव्वल में ये जो कल्चर हम जो दिखाते हैं, इसे देख के अल्लाह की कसम कोई गैर मुस्लिम मुसलमान नहीं होगा। वो कहेगा ये कैसा मजहब है, क्या सिखा रहे हो तुम? साहब क्या करें, हमें इंटरनेशनल तौर पे हमारा इमेज खराब हो रहा है। जंजीर जनी ना करो, कमा जनी ना करो। लोग हमें मजाक करते हैं, तो जब खाना काबा भी जाते हो तवाफ किया करो, पत्थर क्यों मार के आए हो? इतना लहू बहाने से हमें क्या मिलेगा? बेहतर है ये खून मरीजों को दिया जाए। बड़ी अच्छी दलील है, बड़ी अच्छी सोच है आपकी। फिर एक बात और भी कीजिए कि ज़िलहज में कुर्बानी नहीं करनी, पैसे यतीमों को देने। इब्राहिम के दिनों में कभी बकरे, कभी छतरे, कभी ऊंट। इब्राहिम और हुसैन में तुझे फर्क समझ नहीं आया? जिसे जानवरों के खून की सलामी दी जाए उसे इब्राहिम कहते हैं, जिसे इंसानों के लहू की सलामी दे। जाहिलों, ब्लड बैंक मरीजों का खून नहीं लेता, हुसैन मरीजों का लेता है, शिफा दे के वापस कर देता। हुसैन के सामने जिसे भी लेके आओगे धज्जियां उड़ जाएंगी उसकी। तुम्हारी मेडिकल साइंस इतनी तरक्की करने के बाद एक सरिंज दूसरे मरीज को नहीं लगा रही, यह जंजीर एक है, मातम सौ है। बताओ बताओ, क्या ए पॉजिटिव ए नेगेटिव को लगेगा? तुम्हारे ग्रुप नहीं मिलते, हमारा एक ही ग्रुप है, या हुसैन। जंजीर कुरान से साबित करो। इतना छोटा सवाल, जा सवाल बदल। क्या सवाल था तेरा? जंजीर कुरान से साबित करो। सवाल कर, मैं कुरान जंजीर से साबित करूं। करूं? यहां मुख्तलिफ मजहबों के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ मजाहिब आबाद है इस नगरी में, हर मजहब का। आज कोई गैर मजहब आपसे आके पूछे कि साहिब आप कहते हैं कि कुरान अल्लाह की किताब है, हमारा मजहब तस्लीम नहीं करता, हमें साबित करो ये अल्लाह की वही से उतरी। मौलाना कहेंगे कैसे साबित करूं, अल्लाह की किताब है। वो कहेगा साबित कर। कहेगा कैसे? वो फौरन कुरान उठाएगा, वो कहेगा तुम्हारे कुरान में लिखा है, तुम्हारा एक नबी था, नाम उसका यूसुफ था। वो मिस्र में एक महल में आया था, तुम्हारा कुरान कहता है कि तुम्हारा वो नबी इतना हसीन था कि मिस्र की औरतों ने उसका चेहरा देखते हुए अपनी उंगलियां काट ली। जब वो गुजर गए, उन औरतों को पता चला हमारी उंगलियां कट गईं। वो कहेगा मौलाना ऐसा भी हो सकता है कि बदन भी कटे और पता भी ना चले। अगर ऐसा हो सकता है तो फिर आप हाफ़िज़े कुरान हैं, आप ऐसा करके दिखाएं, मैं कलमा पढ़ लेता हूं, मौलवी घबरा जाएगा, मातमी नहीं घबराएगा। हम उसका हाथ पकड़ के हल्का मातम में लेके आएंगे, हम पूछेंगे आप सवाल कर, वो कहेगा कैसे हुआ था, हम जंजीर मार।
मार के कहेंगे ऐसे हुआ।